यूपीएससी इंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे एंटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। To our YouTube channel NT Classes, and यहाँ पर हमारे साथ स्नेहा जुड़ी है जिन्होंने NVST क्लियर किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा एंड वेलकम। थैंक यू मैम। तो स्नेहा आप अपने बारे में बताइए। मैम माय नेम इज स्नेहा पोर्ते, आई एम 11 ईयर ओल्ड। माय स्टेट नेम छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट जीपीएम, विलेज नंगवाही। ओके, घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी एंड माय सिस्टर ब्रदर। ओके, तो एंटी क्लासेस की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला, आपने क्या पाया यहाँ पर? एंटी क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छा ऑनलाइन क्लास है। मैंने अभी जितने भी ऑनलाइन क्लास अटेंड किए हैं वो सब अच्छे थे, पर सबसे ज्यादा मेरे को एंटी क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें डाउट्स और डाउट ग्रुप भी है, उसमें से अच्छे से क्लियर होता है मेरा डाउट और बहुत ज्यादा अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं सर। वेरी गुड, तो एंटी क्लासेस यहाँ पर बच्चों को सारे उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स देते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो आपके जो प्रैक्टिस सेट्स थे तो शुरू से आपके बहुत ही इजी रहे या आपको एंटी क्लासेस से कोई सपोर्ट मिला जिससे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया? यस मैम, मैं पहले लो थी, मतलब कम आता था मेरा परसेंट, फिर मैं थोड़ा से ज्यादा हार्ड वर्किंग करने लग गए तो मेरा परसेंट भी ज्यादा बढ़ने लग गया और जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट एंड सपोर्ट करते थे और जो एंटी क्लास के टीचर्स थे वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे और जो भी सर मैम हमें पढ़ाते थे वो बहुत ज्यादा। वेरी गुड, तो आपके डाउट्स रहे होंगे जब आप क्लासेस कर रहे होंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर क्लियर हो गए थे? यस मैम, जो डाउट होते थे वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाते थे। ओके, तो आपके जो डाउट्स थे उसमें क्या हेल्प मिला आपको ग्रुप से? जो डाउट है मैं भेजती थी, उसके कुछ देर बाद वो डाउट सॉल्व करके आ जाता था और उसमें जो थे वो भी डाउट सॉल्व करते थे और टीचर्स भी डाउट सॉल्व करते थे, अच्छे से समझ में आता था डाउट। वेरी गुड, तो यहाँ पर आपको टीचर्स भी सपोर्ट करते थे डाउट्स क्लियर करने में और जिन बच्चों को आ गया होता था वो भी अपनी डाउट्स यहाँ पर सॉल्व करते? यस मैम। वेरी गुड, तो इससे उन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आया होगा जिन्होंने दूसरों की डाउट्स क्लियर की होगी और मोटिवेटेड फील किया होगा और आपने भी कभी सॉल्व किया होगा, तो ये बहुत अच्छा रहा आपके लिए डाउट सेशन। यस मैम। ओके, तो मेंटर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे और मेंटर्स का क्या सपोर्ट रहा आपका एंटी क्लासेस की तरफ से? जो मेंटर्स थे वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छे से बताते थे हमारा डेली रूटीन क्या है और जो परसेंट कम आता था तो बोलते थे आगे जाके और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से परसेंट लाना और हमें अच्छे से सपोर्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। ओके, तो स्नेहा आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए कि डेली रूटीन क्या रही आपकी एंटी क्लासेस के साथ पढ़ते रहे? वो एंटी क्लासेस का 5 AM से था वो डेली रूटीन उठने का, पर मैं थोड़ी सी लेट हो जाती थी तो मैं 6:30 में उठती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके एंटी क्लासेस से प्रैक्टिस शीट मिलता था तो उसको सॉल्व करके फिर हमें ब्रेक मिलता था, उसके बाद फिर से एक और प्रैक्टिस शीट मिलता था, उसके बाद हमें ब्रेक मिलता था। ओके, वेरी गुड, तो आपने ये एंटी क्लासेस की तरफ से टाइम टेबल मिला था आपको? यस मैम। ओके,
वेरी गुड. तो एंटी क्लासेस ने आपको गाइड भी किया कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है. यस मैम. ओके वेरी गुड. तो आप प्रैक्टिस सेट्स के बारे में बताइए और अपने WT के बारे में बताइए, वीकली टेस्ट के बारे में बताइए कि आपने कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किए शुरू से और अंत तक, और टेस्ट कैसे रहे आपके. मेरे जो टेस्ट थे वीकली टेस्ट, वो पहले मैं अच्छे से नहीं दे पाती थी, मतलब कम परसेंट आते थे. फिर आगे मैं और अच्छे से देने लग गई थी, मेरे परसेंट भी बढ़ने लग गए थे. इसमें जो सर थे वो अच्छे से मेरे को पढ़ाते थे, इसलिए अच्छे से समझ में आता था मेरे को, और इसलिए मेरा परसेंट भी अच्छा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती थी. और जो वीकली टेस्ट का जो टाइम था 9 AM to 11 AM, और जो प्रैक्टिस सेट थे वो 8 होते थे. उसमें से पहले मेरे को टफ लगता था, फिर आगे पहले फिर करते गई तो मेरे को फिर इजी लगने लग गया था. वेरी गुड. तो कितने प्रैक्टिस सेट्स मिला करते थे आपको रेगुलरली, शुरू में कब कितने मिलते थे और बाद में कितने मिले. पहले हमें 2 महीने लग गए थे, फिर बाद में हमें 3 महीने लग गए थे, और फिर ओके अपने वेरी से भी करते थे कुछ. गुड. तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते करते आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, तो आपके लिए एग्जाम स्टफ नहीं लगा होगा. यस मैम. ओके. तो ये जो प्रैक्टिस सेट्स बच्चों ने सॉल्व किए, तो उससे उन्हें उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ गए और उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं रहा, कंपटीशन में बैठना कोई टफ काम नहीं रहा, और वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये. तो और अपने मेंटर्स के बारे में कुछ कहिए, आपके यहाँ मेंटर्स ने क्या सपोर्ट किया और कौन कौन मेंटर्स थे आपके साथ यहाँ पर जो आपको मोटिवेट कर रहे थे. मेंटर्स ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. एंड मेंटर्स में मनोज सर, नरेंद्र सर, नुपुर मैम, अमन सर, सुहाना मैम, सुमन मैम, अलसी मैम, ये सब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट. ओके वेरी गुड. तो मेंटर्स से आपको कुछ मोटिवेशन मिला. ओके यस मैम. वेरी गुड. तो आप अपने जूनियर्स, जो अब तो आप सीनियर हो गए हो, आप नवोदय के स्टूडेंट बन गए हो और नवोदय में जाने वाले हो, तो जो बच्चे अब तैयारी करने के लिए एंटी क्लासेस ज्वाइन किया है जिन्होंने, और जो भी बच्चे आपको सुनेंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ज्वाइन करेंगे एंटी क्लासेस आगे तैयारी के लिए. यस मैम. जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है वो एंटी क्लास से ज्वाइन कर लें, बहुत ज्यादा अच्छा कोचिंग है. इसमें से आप डाउट क्लास भी कर सकते, वो होगा सॉल्व, उसमें से अच्छे से समझ में भी आएगा, डाउट सॉल्व हो जाएगा आपका, और अच्छे से समझ में आएगा, सर अच्छे से मोटिवेट भी आप लोगों को करेंगे. वेरी गुड. तो आपने कौन सी बुक एंटी क्लासेस की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई थी आपको. हमने अरिहंत की बुक. ओके. तो उसके क्वेश्चन पेपर्स बहुत सपोर्टिव रहे आपके लिए. यस मैम. ओके. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ बात करके और जानकर कि आपने कैसे कैसे एंटी क्लासेस की हेल्प से अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से तैयारी की. एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स थ्रू एंटी क्लासेस टीम, ऑल द टीचर्स, ऑल द मेंबर्स, और जितने भी हैं सबकी तरफ से जो आपको देख रहे हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं. और आप बहुत तरक्की करें और नवोदय में जाकर आप वो सारी चीजें पाएं जो आप एक बच्चे के का ड्रीम होता है कि वो करे और वो उनको मिले. तो आपको हर तरीके की फील्ड वहां मिलने वाली है, आपकी हॉबीज को भी सपोर्ट मिलेगा, आपकी पढ़ाई में भी सपोर्ट मिलेगा, टीचर्स की गाइडेंस और पूरी सपोर्ट रहती है, आपके जो कलीग्स और सीनियर्स जितने भी होंगे सब भी बिल्कुल सपोर्टिव रहते हैं. तो आपको वहां जाकर थोड़ा तो मिस होगा कि आप पेरेंट्स को छोड़कर जा रहे हैं, बट आपको बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगेगा कि आपने वहां पर ज्वाइन किया और आप वहां पर रह रहे हो, क्योंकि सभी बहुत केयरिंग और सपोर्टिव है. आपको बिल्कुल भी मिसिंग नहीं लगेगा कि आप अकेले हो और आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो. और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू स्नेहा, हमारे थैंक साथ आप जुड़े यहाँ पर.
ओके बेटा। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन सिक्स्थ में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर इस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। गाइस, एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली के लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड करियर गाइडेंस बाय अवर एक्सपीरियंस नवोदयंस। सो गाइस, फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक यू।